हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई 10:10 हो गए हैं जी मॉर्निंग के। आजकल मैं थोड़ा जल्दी उठने लग गया भाई। दिस इज अ काइंड ऑफ गुड हैबिट जो मुझे 2024 में गाइस ट्रस्ट मी मतलब जल्दी उठना वाज नॉट माय कप ऑफ टी, बट हाँ 2024 में थोड़े से काम ऐसे आ गए या फिर शुरू शुरू में मजबूरी बोल सकते हो, बट अब मुझे लगता है यार आई कैन सेव सो मच टाइम, तो अच्छा लग रहा है भाई सुबह जल्दी उठना। तो बाकी भाई आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज बात करते हैं भाई कैनेडा के पीआर के ड्रॉ के बारे में। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं जी, थोड़ी कंफ्यूजन भी है, और तो बातें शाते करते हैं जी। थोड़ा प्रेडिक्शन भी हम करेंगे कि भाई नेक्स्ट ड्रॉ कब आएगा और किस कैटेगरी का आएगा, कैटेगरी का आएगा भी या फिर जनरल कैटेगरी का ड्रॉ आएगा जी। तो बात करते हैं भाई, हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है भाई, इसलिए मैं कहता हूँ पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। ठीक है जी, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं जी कैनेडा के पीआर के ड्रॉ के बारे में। 2024 भाई रहा तो इंटरेस्टिंग है अभी तक। ठीक है जी, क्यों रहा है इंटरेस्टिंग भाई? जनरल कैटेगरी के भाई 3 ड्रॉ आए हैं जी अभी तक। 3 ड्रॉ आए हैं भाई, 546 का, 543 का, 541 का, 546 का, 543 का एंड 541 का। 3 ड्रॉ आए हैं जी जनरल कैटेगरी के। ठीक है, अब देखो 31 को ड्रॉ आया था जी लास्ट, जो 541 का था। उसके बाद अभी तक कितनी, आज 11 तारीख होगी आई थिंक, 11 फेब, अभी तक जनरल कैटेगरी का कोई ड्रॉ नहीं आया फेब्रवरी में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई ड्रॉ आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भाई ये ड्रॉ खत्म नहीं होने वाले, फॉर श्योर। ऑल्दो हमारे पास आईआरसीसी वालों के पास भाई पीआर की जो एप्लीकेशन है अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है उनके पास, और उनका जो टारगेट है 2024 के लिए वो 485,000 है, उससे कहीं ज्यादा इनके पास आई थिंक 7-7.5 लाख का नंबर है जो पीआर की एप्लीकेशन इनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, फिर भी भाई लोग मतलब वो है ना दिमाग में आता है भाई नए ड्रॉ आएंगे या नहीं आएंगे। देखो यार जनरल कैटेगरी का ड्रॉ भी आएगा, ठीक है जी, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ तो आएंगे ही आएंगे, वो तो भाई बंद हो ही नहीं सकते क्योंकि कनाडा को स्किल्ड बंदे चाहिए, यहाँ पे स्किल्ड लोग चाहिए भाई। हेल्थ केयर लगा लो, स्टेम लगा लो, एग्रीकल्चर लगा लो भाई, ट्रेड लगा लो, ट्रांसपोर्ट लगा लो, और फ्रेंच की तो भाई है ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ये हमारी भाई ऑब्वियसली यार कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है तो उसको सपोर्ट करना बनता भी है, और कनाडा ने भाई सपोर्ट देखा दिखाया भी है। 7,000 इनविटेशन उन्होंने भेजे हैं भाई फरवरी 1 को जो ड्रॉ आया है, विद सीआरएस स्कोर जो कट ऑफ गया भाई 365 ओनली, सिर्फ 365 का कट ऑफ गया था भाई। तभी मैं कहता हूँ पहले तो आप कुछ मत करो भाई, पैसे पूछे 30 लाख 35 लाख 40 लाख लोग लेके बैठे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई भाई, चुपचाप आप फ्रेंच सीख लो, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 लगे, 1 साल लग जाए भाई, अगर आपको ये लैंग्वेज आ गई ना, आपने अगर एग्जाम क्रैक कर लिया भाई आपका ना ऑल ऑफ सडन आप यहां से यहां तक पहुंच जाओगे, आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी ना, आप क्राउड से ही बाहर हो जाओगे। क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर मैं कहता हूं भाई 10 लाख लोग यहाँ पे कनाडा में आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भाई 10% लोगों को मुश्किल से फ्रेंच आती होगी, एंड दिस इज ट्रू। और इंडियंस की अगर बात करता हूं बहुत कम ये परसेंटेज मुझे लगता है भाई 2-3% रह जाती होगी, अगर मैं इंडियंस की बात करता हूँ बहुत लो, क्योंकि इंडिया में फिलहाल अभी तो चलो मे बी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी तक यार कोई ऐसा है नहीं कि फ्रेंच लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो भाई अगर आप कर लेते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मतलब उस लेवल पे हो जाएगा, तो भाई फ्रेंच कर लो भाई, कर लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कर लो, कुछ नहीं होता, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, बस आपकी वो कोशिश सही डायरेक्शन में और सही डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, इंटेंट सही होना चाहिए कि नहीं यार आई नीड टू अचीव दिस गोल एंड आई विल डू इट, है ना वो चीजें। चलो भाई कमिंग बैक टू टुडेस टॉपिक, जनरल कैटेगरी भाई, ठीक है आपको पता है भाई स्कोर हाई जा रहा है। देखो गाइस मैं आपको फिर से बता रहा हूं कैटेगरी बेस तो भाई ड्रॉ आएंगे ही आएंगे, वो अलग बात है भाई, ठीक है दिसंबर के बाद अभी कोई ड्रॉ आया नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइस डोंट वरी अबाउट इट, पक्का ड्रॉ आएगा ही आएगा, बहुत जल्दी ड्रॉ आएगा भाई, चाहे हेल्थ केयर का आ जाए, चाहे आपका भाई स्टेम का आ जाए, ठीक है चाहे ट्रेड का, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि भाई ये भी तो देखो ना 4 ड्रॉ मतलब उन्होंने उस टाइम पे इकट्ठे निकाले थे आई थिंक 18, 19, 20 और 21, ये 4 भाई दिन
इकट्ठे ड्रॉ आए थे, तो भाई ये तो लड़ी लगती है फिर, ठीक है। सो डोंट वरी, ये तो भाई आप मतलब ये लगा के चलो मतलब पक्का आने ही आने हैं, ये तो भाई प्रेडिक्शन तो क्या करनी है, ये तो पक्का आने ही आने हैं। बात आती है भाई जनरल कैटेगरी की, बहुत सारे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं, उनका स्कोर 490, 500, 510 के आसपास है। उनको लगता है जी हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, दिमाग में कंफ्यूजन तो रहती है ना। देखो भाई मुझे लगता है करंटली जिस सिचुएशन में सब चीजें चल रही है, जिस डायरेक्शन में सब चीजें चल रही हैं, क्योंकि भाई हम भी चीजों को फॉलो करते हैं अच्छे खासे, हमारे भी सोर्सेज हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता स्कोर कम होने वाला है। 541 अगर लास्ट टाइम गया तो आप 535, 538 इतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई ड्रास्टिक चेंज आने वाला है CRS के कट ऑफ में। अगर 541 गया था लास्ट टाइम, भाई हो सकता है इस बार 538 हो जाए, 540 हो जाए, हो सकता है बढ़ी जाए, बढ़ता भी तो है भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है भाई इस बार 538, 535 इसके आसपास ड्रॉ आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। और साथ में भाई कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है वो चलते रहेंगे, वो चाहे आज आ जाए चाहे दो हफ्ते में आ जाए, वो भाई चलते रहेंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी के नंबर ऑफ इन्विटेशन ज्यादा नहीं भेजेंगे ये, इसलिए भाई कट ऑफ भी ज्यादा नीचे नहीं जाता, क्योंकि मैं सिचुएशन को समझो, ऑलरेडी इनके पास भाई इतने लोग पड़े हुए हैं, एप्लीकेशन इनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज तो फिर रहती है ना कि भाई ऑलरेडी इतनी है, वो भी चीजें क्लियर करनी है। और जनरल कैटेगरी की तो ऐसा भी तो है नहीं भाई कि कैनेडा को ज्यादा रिक्वायरमेंट है उस चीज की। हाँ स्किल्ड की बात करता हूँ, वो कैनेडा को जरूरत है, वो उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, इसलिए भाई 7000 इन्विटेशन इन्होंने भेजे हैं फ्रेंच कैटेगरी के लिए, ये भी तो चीज है ना। तो भाई सोचो समझो थोड़ा सिचुएशन को। और जनरल कैटेगरी मैं दोबारा 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 बोलता हूँ, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की है, जनरल कैटेगरी पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप स्किल्स देखो, PNP देख लो अगर आपका नंबर आता है उसमें, अगर आपका फील्ड है उसमें, वरना चुपचाप फ्रेंच सीख लो भाई, आपकी बहुत जल्दी बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे PR के, स्पेशली जो भी वर्क परमिट पे आ रहे हैं या फिर स्टडी पे भी है ना। साथ में भाई फ्रेंच करनी स्टार्ट कर दो, जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होगी ना, मतलब ट्रस्ट मी आप किसी और ही लेवल पे होगे। और याद रखोगे नैव सिंह संगेर ने ये चीज बोली थी, और मैं जो बोलता हूँ भाई हवा में बातें नहीं होती, आपको पता है चैनल पे हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, इसीलिए लोग पसंद करते हैं, इसीलिए लोग इतना प्यार देते हैं भाई। गालियां भी देते हैं वो अलग बात है, जिनको चीजें समझ नहीं आती फिर बाद में वो बोलते हैं कि हाँ जी भाई आप सही कह रहे थे, ये चीज थी वो चीज थी, चलो भाई अपनी अपनी सोच है सबकी। बट हाँ अगर आप एक्चुअल में भाई गाइज अपना थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा स्टेबल करना चाहते हो, यहाँ पे ज्यादा उस लेवल पे स्ट्रगल नहीं चाहते हो, तो भाई थोड़ा सा आराम से प्लानिंग के साथ चलो, प्रोएक्टिव अप्रोच रखो, आपको गाइज बहुत फायदा होगा। ये कभी नहीं होता कि भाई जो लोग 5 साल पहले आए हैं तो हम भी वो कर लेते हैं, या आज की डेट में भाई सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जब मैं आया था 2019 में उसके कंपैरेटिवली आज की डेट में अगर मैं देखूं भाई बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। हमारे टाइम पे तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ थे ही नहीं, जनरल कैटेगरी PNP दैट वाज द ओनली ऑप्शन वी हैड, या फिर इन्होंने जो कोविड के टाइम पे वो निकाले थे तो उसमें भाई कुछ लोग एलिजिबल थे कुछ नहीं थे, वो अलग सिचुएशन थी। बट एक्सप्रेस एंट्री में सिर्फ जनरल कैटेगरी ही थी, मेरा खुद का स्कोर गाइस उस टाइम पे 501 था, ठीक है जी। और मुझे ये था कि बहुत अच्छा भाई एक आएगा ना, मतलब ड्रॉ मेरा जल्दी आ जाए, नंबर जल्दी आ जाए, इन्विटेशन जल्दी आ जाएगा, बट नहीं आया, ठीक है, वेट करना पड़ा मुझे भी। तो भाई अब तो चलो उससे भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ स्टार्ट हो गए, तो ये चीजें होती है। तो आपको भाई करंट सिचुएशन को समझ के प्लान करना चाहिए, अपनी अप्रोच उसी हिसाब से रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। एंड बाकी भाई थोड़ा सा ना जज्बा रखा करो चीजों का, डरना नहीं है, डरना नहीं है, और किसी के पीछे नहीं लगना कि भाई उसने ये कर दिया क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अपना अपना प्लान लेके चलो, अपनी चीजों को समझ के चलो, आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो ये चीज थी, बाकी नैव सिंह संगेर बैठा जी आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की, और हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे भाई, एंड आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, आप भी भाई सपोर्ट करते रहो चैनल को। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे काम, अपना ध्यान रखना भाई, लव यू, टेक केयर, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, बाय।